कोहली की फेक फील्डिंग, सहवाग ने उठाए सवाल, विवाद पर हुआ बड़ा बवाल। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में बुधवार को भारत और बांग्लादेश के बीच मैच खेला गया। इस मैच में जहां एक तरफ भारतीय टीम ने बेहद रोमांचक मैच में जीत हासिल की, लेकिन मैच खत्म होने के बाद विवादों में भी आ गया। सबसे बड़ा मामला विराट कोहली की फेक फील्डिंग का था। जैसे ही ये विवाद सामने आया, तब से ही ये रुकने का भी नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी अपना बयान जारी किया है। सबसे पहले विवाद क्या है आपको वो बताते हैं। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे मैच के दूसरे इनिंग के सातवें ओवर की तीसरी गेंद पर नजर आया अक्षर पटेल ने लिटिल दास की दूसरी गेंद डाली। उन्होंने इसे स्वीपर कवर के ऊपर से पुल कर दिया। यहां लगे फील्डर अर्शदीप के पास गेंद गई तो पॉइंट की ओर लगे फील्डर विराट कोहली ने गेंद फेंकने का जैसे इशारा कर दिया। किस्मत से अंपायरों ने विराट कोहली की इस हरकत पर गौर नहीं किया और टीम इंडिया को 5 रन की पेनल्टी से बच गई। बारिश से प्रभावित वो मैच भी टीम इंडिया ने 5 रनों से ही अपने नाम किया, जिसके बाद नूरुल हसन ने इस मुद्दे को मीडिया में उठाया। नूरुल ने कहा, एक मौके पर विराट ने फेक फील्डिंग की थी जिस पर अंपायरों को बांग्लादेश को 5 अतिरिक्त रन देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने इस गलती को ही नजरअंदाज कर दिया। क्या कहता है आईसीसी का नियम? आईसीसी के नियमों के अनुसार कोई भी खिलाड़ी जब बल्लेबाज का आउट करने या झूठी फील्डिंग का झांसा देता है तो फील्डिंग टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगाने का नियम है। बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज नूरुल हसन द्वारा विराट कोहली पर लगाए गए फेक फील्डिंग के आरोपों पर एक वेबसाइट पर बोलते हुए वीरेंद्र सहवाग ने कहा, हाँ विराट कोहली ने उस मौके पर गलती की थी, लेकिन उनकी इस गलती पर बांग्लादेश के बल्लेबाजों को तभी अंपायर से शिकायत करनी चाहिए थी तो उनका फैसला तुरंत हो जाता। मैच हारने के बाद अब इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन अब क्या फायदा, अब चिड़िया चुग गई खेत।